नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह CIT इंटरमीडिएट कोर्स के ट्यूटोरियल्स में मैं हूं अनम तारिक। इस लेसन में हम पेज लेआउट टैब और रिव्यू टैब को एक्सप्लोर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ड ओपन कर लिया है, यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके पेज लेआउट टैब में जाएंगे। पेज लेआउट टैब में हम पेज के लेआउट को सेट कर सकते हैं। इसमें हम पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन और पेज साइज को सिर्फ देखेंगे। मार्जिन सब मेन्यू, मार्जिन का मतलब ये है कि आपके पेज का मार्जिन टॉप बॉटम राइट लेफ्ट पे हम कितना मार्जिन छोड़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ मार्जिन ना छोड़ें तो हमारा टेक्स्ट बिल्कुल पेज जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं से टेक्स्ट शुरू होगा। इसलिए ज़्यादातर लेफ्ट साइड से मार्जिन छोड़ा जाता है ताकि जब इसको बाइंड करें एक बुक की शक्ल में लेकर आएँ तो हमारा टेक्स्ट उसमें आकर कट ना जाए। तो इसमें एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन है नॉर्मल का जिसमें 2.5 मार्जिन दिया गया है। नैरो है जिसमें कम हो गया है मार्जिन 1.2। Moderate top colon 2.54 cm, bottom colon 2.54 cm, left colon 1.91 cm, right colon 1.91 cm, but moderate में left और top में ज़्यादा छोड़ा हुआ है margin और right और bottom में कम। White top colon 2.54 cm, bottom colon 2.54 cm, left colon 5.08 cm, right colon 5.08 cm, but to move wide में लेफ्ट और राइट में ज़्यादा छोड़ा हुआ है, टॉप और बॉटम में कम। इसमें से हमारे लिए जो भी बेटर होगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नॉर्मल रखते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। ओरिएंटेशन में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में विड्थ कम होगी और हाइट ज़्यादा होगी। विड्थ मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब लंबाई। और लैंडस्केप में वर्थ ज़्यादा होगी और हाइट कम होगी। और वर्ड के डॉक्यूमेंट का पेज पोर्ट्रेट होता है। पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन होती है वो लैंडस्केप होती है। साइज सब मेन्यू, जो आपके पेज का साइज होगा ये उसका है और बाय डिफॉल्ट साइज पेज का A4 होता है। पेज लेआउट में इतना ही है। अब हम देखते हैं रिव्यू टैब। प्रूफिंग ग्रुप बॉक्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन, इस पे एंटर करके भी हमारी डॉक्यूमेंट की सारी स्पेलिंग और ग्रामर वो चेक कर लेता है। पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ता है और जहाँ जहाँ एरर्स होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं या ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं तो एक पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। उसके थ्रू हम अपनी स्पेलिंग सही कर लेते हैं और इसकी कमांड है F7। ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। Tab research dot 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 button to move through a tab thesaurus dot 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 button to move from tab word count dot 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 button. ये ऑप्शन है वर्ड काउंट का, ये भी रिव्यू टैब में है और इसकी कमांड है कंट्रोल शिफ्ट जी। तो अब हम इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं किस तरह से वर्ड काउंट होता है और किस तरह से स्पेल चेकिंग होती है। और एक और कमांड मैं आपको बता दूं, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से हम गो टू पेज नंबर पे जाते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हों। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पेजेस हैं, हमने पेज नंबर 50 में जाना है तो कंट्रोल जी करके हम पेज नंबर 50 वहाँ टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे तो हम डायरेक्ट 50 पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, इसके अंदर कितनी लाइंस, कितने वर्ड्स और कितने पैराग्राफ्स हैं ये चेक करने के लिए वर्ड काउंटर चलाएंगे जो रिव्यू टैब में अभी हमने देखा। और इसकी कमांड है कंट्रोल शिफ्ट जी। कंट्रोल शिफ्ट जी वर्ड काउंट डायलॉग स्टैटिस्टिक्स कोलन पेजेस 1 वर्ड्स 180 कैरेक्टर्स लेफ्ट पैरेंट नो स्पेसेस राइट पैरेंट 975 कैरेक्टर्स लेफ्ट पैरेंट विद स्पेसेस राइट पैरेंट 1150 पैराग्राफ 6 लाइंस 15 क्लोज बटन टू ऐड। कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितनी लाइंस, पैराग्राफ्स और पेजेस हैं सब कुछ उसने बता दिया। और अब हम इसको स्किप कर देते हैं।
यहाँ पर हम F7 चला के देखते हैं कि किस तरह से स्पेल चेकिंग होती है। F7, spelling and grammar, colon, dialogue, type of text, alt plus colon, not a dictionary, colon, Subah, S-U-B-A-H, suggestions, colon, list box, Subah, S-A-B-A-H. अब यहाँ पर नई सुबह लिखा हुआ था जिसमें से इसने कहा है कि सुबह डिक्शनरी में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, टैप करते हैं। Tap, suggestions, colon, list box. लेकिन हमने इसमें से किसी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि नई सुबह रॉन्ग वर्ड नहीं है, वर्ड तो सही है लेकिन इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इसलिए इस डिक्शनरी में नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए एरर आया है, हम इसको इग्नोर करेंगे। इसमें हम इग्नोर कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अगर हमने किसी इंग्लिश के वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है तो यहाँ पर वो जब हमें करेक्ट करेगा तो उसको हम चेंज करेंगे, मतलब जो हमने लिखा हुआ है उससे वो चेंज हो जाएगा, जो ये बता रहा है वो आ जाएगा और जो हमने खुद लिखा था वो हट जाएगा। अगर हम नहीं चाहते जो हमने लिखा है वो हटे, जैसे कि नाम, तो उसको इग्नोर करेंगे। चेंज करना हो तो उसकी कमांड होती है ऑल्ट सी, इग्नोर करना हो तो उसकी कमांड होती है ऑल्ट आई। अगर हम मैन्युअली नीचे जाते हैं टैप करके इग्नोर वंस बटन, इस पे स्पेस बार कर देंगे तो सुबह इग्नोर हो जाएगा। इग्नोर ऑल बटन पे एंटर करने से जितनी बार भी नई सुबह लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो इग्नोर हो जाएगा। ऐड टू डिक्शनरी बटन, यहाँ पे एंटर करने से ये वर्ड डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। चेंज बटन, अगर हमें सुबह से कोई और वर्ड चेंज करना हो जो ये डिक्शनरी बता रही है तो इस पे एंटर करेंगे, जिसकी कमांड है ऑल्ट सी। तो ये था पेज लेआउट टैब एंड रिव्यू टैब। मुझे उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद आपके लिए नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। हमारे कंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।